हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 दिसंबर को, उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जो बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो ये अलवर भरतपुर क्षेत्र का लोक नृत्य है। राव जैतसिरो छंद के रचयिता कौन थे, बीटू सूजा थे। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड राजस्थान में सबसे बड़ा है, तो वंशी। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में अवनी लखेरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, तो शूटिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जिले सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कि सही कौन सा सुमेलित नहीं है। तीन ऐसे हैं जो सही सुमेलित है, बाकी एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है, टोटगल, रावली, पाली, अजमेर और राजसमंद, ये गलत मिलान किया हुआ है। बाकी बंद बारेठा अलवर में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, बस्ते चित्तौड़गढ़ में है, तो मतलब ये करेक्ट हुआ। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जब पेपर को टफ बनाना होता है तो ऐसे मोस्टली क्वेश्चंस डाले जाते हैं। इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है। फर्स्ट के साथ में तालाब साई जो है वो थर्ड धौलपुर के साथ में, सेकंड के अंदर फोर्थ आएगा। गेब सागर जो है वो डूंगरपुर में है। ऑप्शन थ्री मतलब थ्री के साथ में सेकंड आएगा जो कडाणा है वो बांसवाड़ा में है। हेमावास जो है वो पाली में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बतानी है कौन सी नस्ल जो है वो गलत है। तो बर्बरी बकरी होती है, चनोथर भेड़ होती है, कांकरेज जो है गोवंश में आती है, जबकि लोही भेड़ जो है वो गलत है। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था, तो कृषक कल्याण कोष का जो गठन है वो कब किया गया था, आपसे यही पूछा गया है। तो वो 16 दिसंबर 2019 को किया गया था। अब ऑप्शन स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है, तो स्वस्थ धरा खेत हरा नारा जो है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का है। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है, जो डामोर जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। रतवाई लोक नृत्य संबंधित हाड़ोती क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से या मेवाड़ क्षेत्र से, जो रतवाई लोक नृत्य है वो मेवात क्षेत्र से संबंधित है। कौन से लोक देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है, तो पाबूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्र कला शैली की विशेषता है, तो कोटा शैली की है। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है, तो जो आंवला होता है वो गले में नहीं पहना जाता, उसके अलावा तिमणिया, कांटला, मांदलिया तीनों गले में पहनने के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, पहले के अंदर सी होगा, अमर कोश के साथ में अमर सिंह। अमर कोश जो पुस्तक है उसके लेखक अमर सिंह थे। काव्य मीमांसा पुस्तक के जो लेखक हैं वो भास हैं। बृहत कथा जो पुस्तक है उसके लेखक, एक सेकेंड, जो अमरकोश है वो राजशेखर जी ने लिखी थी, और जो व्रत कथा है उसको अमर सिंह ने लिखी है, और स्वपन वासुदत्तम इसके जो रचयिता हैं, एक सेकेंड बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन अपन शुरू से देखते हैं। अमर कोश जो है वो अमर सिंह जी ने ही लिखी थी, बाकी जो काव्य मीमांसा है उसको राजशेखर जी ने लिखा था, और जो बृहत्कथा है उसको गुणाढ्य ने लिखा था, और जो स्वपन वासुदत्तम है उसको भास ने लिखा था। अब एकदम करेक्ट है, ये हो जाती है कभी कभी गलतियाँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियों से ही तो सीखते हैं। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी है, तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, आनंद कुमार स्वामी। पाल किसे कहते हैं, तो पाल जो है भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, तो माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों में वह उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसके अंदर आपको जो गलत है वो बताना है। तो ऑप्शन ए मतलब श्री बलदेव पशु मेला जो है वो करौली में नहीं भरता, तो यही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गोगा मेड़ी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़ में भरता है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ में,
विद्यन कगार भूमिया हिस्सा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। दिसंबर 2020 से राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है तो 21836। आप अंक ऐसे अंक वाली जो संख्या होती है इनको आप टुकड़ों में याद रखा करो, आपको जल्दी याद होगा। तो 21836 मेगावाट। पासुपात नामक सेव संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो लकुलिस थे। राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद जी ने कहा था। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, मॉरिशन। राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है जयपुर। मांड प्राचीन नाम था जैसलमेर का। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको आता होगा, 30 मार्च को। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? तो ये 1987 में बना था। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा है? तो जो गिरिजा व्यास थे वो कभी भी महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही है। इसके अलावा कांता कथूरिया, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन अध्यक्ष पद पर रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला कलेक्टर होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको ये बताना है कि गलत कौन सा है। 3 सही है और 1 गलत है। तो ऑप्शन ए मतलब इसके अकॉर्डिंग राइट होगा क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, बाकी तीनों जो है वो सही है। महाधिवक्ता का ये कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये तीनों करेक्ट है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये गलत है। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? ऑप्शन बी 24। तो ये पेपर अपना एक ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।